अग्नि कर्म महामंडल विदर्भ आर्थिक विकास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से मिनकॉन 2022 का 3 दिवसीय आयोजन नागपुर के चिल्ड्रेन सेंटर में किया गया है, जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति रही। सभी यहां पर उपस्थित महानुभाव और उपस्थित दोनों भाई, ये बहुत ही खुशी की बात है कि तकरीबन 3 साल बाद फिर एक बार मिनकॉन का आयोजन नागपुर में किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी पहल हमारे सभी आयोजकों ने मिलकर की है, विशेष रूप से वेद होगा, MBDC होंगे या हमारे सरकार के डिपार्टमेंट्स होंगे, इन्होंने मिलकर मिनकॉन के माध्यम से ये प्रयास किया है कि माइनिंग इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको शोकेस किया जाए, माइनिंग इंडस्ट्री में जो नई टेक्नोलॉजीज आई है उनको भी सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और जो चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है सरकार के साथ एक इंटरफेस के रूप में काम करते हुए मिनकॉन के माध्यम से उसको भी एड्रेस किया जाए, ऐसे मल्टीपल हेतु मन में रखकर इसका आयोजन किया गया। मैंने एग्जीबिशन भी देखी और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज एग्जीबिशन में देखने को मिली। जैसा कि राउचर में हमने कहा था कि इंडस्ट्री 4.0 इसका उपयोग हम माइनिंग सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलाकर जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसका उपयोग हम कैसा कर सकते हैं, ये सारी चीजों के टेक्नोलॉजीज के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स यहां पर एकत्रित आए हैं और साथ साथ टेक्नोलॉजी लाने का एक और कारण ये भी है कि हमें माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी इस मोटो को आगे ले जाना है।